सो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले गाइज MI के फ़ोन के बारे में। जो गाइज अपने जो MI के फ़ोन होते गाइज, वो कहीं पर भी गाइज लैग मार देते। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो गाइज, मेरा जो फ़ोन है वो कितना स्मूथ चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे बैक करता हूँ तो लैग मार रहा था, पर अभी गाइज यहाँ पर कुछ भी लैग नहीं मार रहा है। अभी कुछ भी ओपन कर लो गाइज, बैक करने के बाद में भी लैग नहीं मारता। पर अगर गाइज आपकी भी फ़ोन अगर MI के होगी या कौन सी भी कंपनी के होगी गाइज, अगर हैंग कर रहे होगे, तो फिर गाइज यहाँ पर आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और गाइज आप ये जो सिस्टम है गाइज पोको के भी फ़ोन में गाइज यूज़ कर सकते हो। गाइज मैं फ़िलहाल के लिए गाइज मेरा जो फ़ोन है गाइज वो मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडमी नोट 7 गाइज। तो फिर आपके भी फ़ोन में अगर गाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी गाइज हैंग की या किसकी, तो फिर गाइज आपके लिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो फिर गाइज सबसे पहले तो मैं टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वीडियो को फटाफट से शुरू करूँगा। तो गाइज सबसे पहले जो आपका फ़ोन अगर स्मूथ करना है गाइज आपको, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आपको ये जो बटन से गाइज, ये बटन से भी मतलब स्मूथ चलता ही, पर आपको इसी बटन के जो होते गाइज नीचे 3 बटन, इसको बदलने के बाद में आपको अलग ही रियल वाली फीलिंग आई गाइज स्मूथी की। ये ऐसे भी गाइज स्मूथ चल रहा है, पर गाइज मेरे को जो है इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा गाइज। तो फिर मैं इस बार को चेंज कर लूँगी। बार को चेंज करने के लिए गाइज यहाँ पर सेटिंग्स में जाके यहाँ पर डालूँगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो फिर गाइज ये डालने के बाद में जो है अपना जो गाइज आ जाएगा, ये देखो गाइज फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो फिर गाइज ये जो अपना जो बार होता है गाइज, वो इससे आप बदल सकते हो गाइज। फिर आपका जो फ़ोन है गाइज वो थोड़ा बहुत लैगिंग का गाइज, ये मतलब आप थोड़ा बहुत स्मूथ चल जाएगा। फिर गाइज ये होने के बाद में अभी सेकेंड स्टेप, तो फिर ये होने के बाद में गाइज मैं जाऊँगा, तो फिर मैं जाऊँगा गाइज इसके बाद में डेवलपर ऑप्शन। और गाइज डेवलपर ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में अगर नहीं होगा तो उसको एनेबल करने के लिए अबाउट में जाके MIUI वर्जन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन रेडी हो चुका है। तो फिर ये होने के बाद में आपको जाना है गाइज एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में। तो फिर गाइज इस थोड़ा नीचे नीचे आ जाना है गाइज यहाँ पर। तो फिर गाइज यहाँ पर थोड़ा नीचे आने के बाद में यहाँ पर हमको स्केल, ये देखो गाइज यहाँ पर ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल एनिमेशन ड्यूरेशन सिम्युलेट सेकंड डिस्प्ले, मतलब ये नहीं गाइज, ये विंडो एनिमेशन, ये ट्रांसलेशन ट्रांसेक्शन और ये एनिमिनेटर। गाइज ये जो है गाइज हमको इसके ऊपर गाइज जो है ये क्लिक करके, ये गाइज आपकी एनिमिनेशन स्केल जो है गाइज यहाँ पर होंगे गाइज 1x पे। तो आपको क्या करना है उसको ना, यहाँ पर एनिमेशन स्केल 1.5 पे गाइज, सबको 1.5 पे गाइज यहाँ पर ऐसे डाल देना है। तो ये होने के बाद में आपका जो फ़ोन है गाइज वो थोड़ा बहुत स्मूथ चलने लग जाएगा, मतलब गाइज स्लो गाइज नहीं होगा। मतलब आपको अगर फास्टर करना है तो आज उधर से फास्ट भी कर सकते हो आपके फ़ोन को, पर अगर आपको स्मूथनेस चाहिए गाइज अपने फ़ोन में, तो आपको थोड़ा सा फ़ोन को स्लो, मतलब उसके जो सिस्टम होते गाइज वो ऐसे बैक के वो थोड़ा सा गाइज स्लो करना पड़ेगा, तो आपका फ़ोन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और भी गाइज सेटिंग्स इसके अंदर सिक्योरिटी में जाने के बाद में यहाँ पर गाइज जो भी गाइज ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा गाइज उसको ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए। अभी मैंने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। तो गाइज ये होने के बाद में हमको फिर से बैक आना है। गाइज रुको गाइज, ये हो रहा है, आपको दिखाता हूँ गाइज में। यस गाइज, तो फिर ये हो गया गाइज मेरा ऑप्टिमाइज। तो फिर ये होने के बाद में गाइज मैं जाऊँगा सीधे बैक, और बैक आने के बाद में अभी मैं जाऊँगा क्लीनर में। क्लीनर में भी गाइज हो रहा है ये। तो ये होने के बाद मैं क्लीन अप कर दूंगा इसको भी। तो गाइज ये भी हो चुका है। ये होने के बाद मैं फिर से रिटर्न आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा बूस्ट स्पीड में, ये देखो गाइज यहाँ पर भी हो रहा है। गाइज यहाँ पर मैं कर यहाँ पर बूस्ट स्पीड गाइज यहाँ पर कर दूंगा मैं। तो ये होने के बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा डीप क्लीन में। यहाँ पर आपकी कुछ फ़ोटोज होगी गाइज वो डिलीट कर लीजिए, अगर आपको डिलीट नहीं करने को छोड़ भी दे सकते हो। अभी मैं जाऊँगा बैटरी के अंदर। यहाँ पर बैटरी भी अगर गाइज आपकी थोड़ी सी बैटरी स्लो ब्लो चल रही होंगी, तो यहाँ पर भी गाइज आपको बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब सब कुछ दिखाई दे देता है गाइज। अभी यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर देते गाइज मैन्युअली। तो ये होने के बाद में
आपका सब हो चुका है, अभी आपका जो फ़ोन है गाइज तो और भी बहुत स्मूथ चलना गाइज हो गया होगा। अगर आपका तभी भी नहीं चल रहा तो फिर गाइज मेरे को कमेंट में बता दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।